अच्छा, जितनी टाइम में ये अपना पिक कर रहे हैं, हम उतनी टाइम में चलेंगे कलंदर्स के पास और फवाद राणा से जो है कुछ बात करते हैं. तो प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फवाद राणा. फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बताइए, थर्ड सीजन अब आपका, यू नो, कलंदर्स जिसे हम कहते हैं ना कि मोस्ट एंटरटेनिंग टीम और मोस्ट एंटरटेनिंग ओनर, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल कलंदर से? दमादम मस्त करेंगे इंशाल्लाह ताला. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी पहली पिक है, हमने, मैं, आई रियली वॉन्ट टू थैंक, यू नो, आवर सोशल मीडिया फॉलोअर्स. तो हमने एक पोस्ट शेयर की थी कि जी किसको हम पिक करें, तो 10,000 people responded it, and out of that 43%, you know, they favored it. Obviously the Australian sensation, one of the greatest T20 player, Chris Lynn. So I think we are a people's franchise, so definitely we'll go with the people. And I promise you that this year we will be more exciting. As you see our first pick, that people will love to follow Lahore Kalandar. As you know, that, you know, all across Punjab and first time in the Kashmir, we went there. अच्छा, बस जल्दी से ये बताइए, now you have an addition, Shoaib Akhtar साहब, a legend, ये भी अब आपकी टीम में आ गए हैं. आपकी जो फैमिली है वो बढ़ती जा रही है, तो कितना इम्पैक्ट होगा इससे इस सीजन पे? देखिए, हमारा, हम तो लाहौरी हैं और जिंदा दलाने लाहौर हैं, तो हमारे पास आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग कोच आप थिंक दुनिया का, मेरा ख्याल है आकिब जवेद है, और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एटीट्यूड, जो फास्ट बॉलर का जो एटीट्यूड है, पूरी दुनिया में शोएब अख्तर से बड़ा नाम नहीं है. और आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर उनको एक अग्रेसिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपराइट ऐसा आदमी जो कि स्ट्रेट बात करते हैं. और मैं समझता हूँ मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ आए हैं और उन्होंने हमें गाइड किया है. और ये इससे बड़ा भी, एक और भी जो है ना, हमारे साथ तीन बड़े लोग आ गए हैं, आकिब जवेद और शोएब अख्तर और इंजमामुल हक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर पाकिस्तान. बिल्कुल फवाद साहब, आपकी फैमिली जो है बढ़ती जा रही है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, फॉर द नेक्स्ट पिक एज वेल. एंड इट्स बैक टू यू इमी. ऑलराइट, वी हैव द नेक्स्ट पिक. अब याद रहे आपके पास इस पिक के लिए 3 मिनट है. लेट्स स्पीक टू सलमान इकबाल. सलमान, हम देख रहे हैं कि किस तरह बाकी फ्रेंचाइजेज में भी जो हैं फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, और लोग जो हैं ऐड होते जाते हैं. थोड़ा सा चेंज आया कराची किंग्स में. सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमाद इज़ योर न्यू कैप्टन. तो व्हाट आर योर थॉट्स, यू नो, गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर जो है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कराची किंग्स? वैसे सबसे बड़ी फैमिली जो कराची की है, पौने 3 करोड़ लोग हैं उसके फैमिली के अंदर. समझ ना, तो आई डोंट थिंक कि वो उसको बीट कर सकता है उस फैमिली को. और ऑफकोर्स हमारी वैसी फैमिली वही है जो पिछले 2 साल से है, एक्सेप्ट वी मिस्ड सम ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स. शोएब चला गया, सिकंदरा चला गया, पुरा चला गया, बट आई थिंक वो मुल्तान भी हमारी पार्ट ऑफ द फैमिली है. एंड यू नो, इट्स अ गुड डिसीजन आई थिंक फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड शाहिद एंड एवरीबॉडी टू पिक अप इमाद एज अ कैप्टन. यू नो, यंग है, टैलेंटेड है, और ऑफकोर्स लाडला है. तो यू नो, आई थिंक वी नीड द एनर्जी ऑन द ग्राउंड. एंड ऑफकोर्स शाहिद आफरीदी कमिंग नाउ टू कराची, विच इज the most talked about trade in Pakistan in PSL. So dekhiye inshallah. ye bataiye ki raat ko baith ke kitna socha ki kaun si picks karni hai, matlab kitni jise kehte hain strategy jo banayi hai aapne, usme kitni planning aur wo gayi thi? I think planning to pichle koi 1.5-2 maah se chal rahi hai, but Mickey and Rashid, of course, two of the top brains of Pakistan cricket, to badi aasani ho gayi hame. कि यू नो, दे विकी वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, राशिद वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. अब पता है डोमेस्टिक के अंदर राशिद भाई से अच्छा मेरा से कोई दिमाग नहीं है. ही हैज़ पिक्ड अप प्लेयर्स लाइक उस्मान शिनवारी. हमारा लास्ट ईयर वॉज अ मिडिल पिक. अब्रार की इंजरी के बाद उस्मान शिनवारी आया, एंड उससे पहले फहीम अशरफ था जो हम पिक कर रहे थे, एंड ही वॉज, ही जस्ट मिस दैट डेड लाइन ऑफ बींग 23 अ डे बिफोर वी कॉल्ड हिम. तो ऐसा कुछ हो गया था उसके साथ. And they picked up Usman Sharmari, so I think Usman is playing amazing for Pakistan right now. Well done to you and your team, and all the best for the next pick. It's back to Imran we now for the next. We have the next